Hey everyone, welcome to Biology Aties. जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमेशा हम यूट्यूब पर या फिर गूगल में जो भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं वो उन लोगों की स्टोरीज पढ़ते हैं जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया, उन्हें सक्सेस कैसे मिली, उन टिप्स को हम फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन एक गलती हम लोग कर देते हैं कि हम लोग फेलियर्स की स्टोरी नहीं सुनते। हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि टॉपर्स ने क्या टिप्स फॉलो करे ताकि हम भी टॉपर बन जाए, लेकिन हम इस चीज की तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता कि जो लोग फेल हो गए वो किन रीजंस की वजह से फेल हो गए। अगर आप लोग मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं, काफ़ी पहले से, जब मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने नीट के लिए 2 बार अटेम्प्ट दिया था और दोनों बार ऐसा हुआ था कि मुझे BDS सीट मिल गई थी लेकिन MBBS नहीं मिल पाई थी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फेलियर स्टोरी के साथ साथ मेरे फेल होने के रीजन्स आपसे शेयर करूँ कि उन रीजन्स को आप लोग अवॉइड करें। जो चीज़ें मैंने फॉलो करी अपने प्रेपरेटरी फेज में जिसकी वजह से मुझे फेलियर मिला, वो चीज़ें आप लोग फॉलो ना करें, वो आपकी प्रेपरेशन का पार्ट ना बने। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ कि आप लोग हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। मैंने हमेशा आप लोगों के सामने अपनी रियलिटी रखी है कि आई कुडंट क्रैक नीट एग्जाम एंड दैट्स माय रियलिटी, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेशन दे पाती हूँ कि मुझसे जो गलती हो गई वो आप लोग ना करें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग हैं जो कि बार बार यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में मुझे बार बार शायद मुझे चिढ़ाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए या जो भी है उनकी इनसिक्योरिटीज है कि ये फेलियर लड़की कैसे आगे बढ़ रही है, तो वो लोग कॉमेंट करते हैं कि इसका खुद का तो नीट का एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, हम लोगों को क्या सलाह देगी। तो उन लोगों के लिए मैं एक ओपन चैलेंज देती हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द रीजंस जिसके वजह से मेरा नीट का एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, उन रीजंस को आप अवॉइड करिए और देखते हैं कि आपका नीट का एग्जाम क्रैक होता है या फिर नहीं। बाकी जो लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, एक फेलियर की स्टोरी सुनकर मेरी फेलियर स्टोरी से लेसन लेते हुए खुद को सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मिस्टेक जो कि मैंने अपने नीट के प्रेपरेटरी फेज में करी, जो मैं चाहती हूँ कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, लैक ऑफ गोल सेटिंग। मैं जब 12th के टाइम पर भी नीट के प्रेपरेशन कर रही थी और जब ड्रॉपर्स ईयर में भी नीट की प्रेपरेशन कर रही थी, तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ चलती थी, नीट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कुछ और देखी जाएगी। अगर आपके दिमाग में ये कुछ और देखी जाएगी वाली चीज़ है तो कभी भी आप एग्जाम के लिए 100% एफर्ट्स नहीं पुट कर सकते हैं, और जहाँ पर 100% एफर्ट्स नहीं होंगे वहाँ पर 100% सक्सेस के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे दिमाग में बहुत सारे अलग अलग प्लान्स चल रहे थे कि नीट नहीं हुआ तो बहुत सारी और चीज़ें जो मैं कर लूँगा। उसकी हमेशा प्रायोरिटी थी कि नीट होना चाहिए। लाइफ में एक बैकअप लेते हुए चलना समझदारी है, लेकिन जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी दौरान उस एग्जाम को प्रायोरिटी न देते हुए बाकी सारे ऑप्शंस की तरफ भी आपका ध्यान भटकता जाता है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी जो कि मैंने करी थी। मैं अपने नीट के प्रेपरेटरी फेस का टाइम पे और चीज़ें भी सोचती रहती थी कि नीट नहीं हुआ ना तो इस डिग्री को ज्वाइन कर लूँगी, यहाँ पर भी मज़ा आने वाला है, या फिर मैंने कभी इतने एफर्ट्स ही पुट नहीं करे जिसकी वजह से मुझे लगे कि हाँ मेरी नीट की प्रेपरेशन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो लैक ऑफ गोल सेटिंग पहली चीज़ है जो कि आपको अवॉइड करनी है। दूसरी चीज़ इज रिगार्डिंग NCERT। आप में से काफ़ी बच्चों ने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी होगी, काफ़ी बच्चे होंगे जिनका सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट होगा इस साल और उनके पास अपनी पुरानी कोचिंग का स्टडी मटेरियल होगा। आप कहीं से भी क्यों ना पढ़ रहे हो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, NCERT पर एक बार एक नज़र ज़रूर मार दीजिएगा। माना कि आजकल स्टडी पैकेजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं, पूरी NCERT भी उन स्टडी पैकेजेस में कवर हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं यही सलाह दूंगी कि NCERT तो पढ़े ही पढ़े, बस रीड कर ले, समझे ना किसी भी कंटेंट को NCERT से, बस रीड जरूर कर ले। सपोज कोई टॉपिक आप पढ़ना शुरू करते हैं उसको एक बार NCERT से बस रीड कर ले कि उस टॉपिक को NCERT में कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, जो जो इंपॉर्टेंट लगा उसे हाईलाइट कर ले और फिर उस टॉपिक को अपनी रेफरेंस बुक या फिर अपनी कोचिंग के स्टडी मटेरियल से पढ़े। लेकिन NCERT को प्लीज बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। मैंने क्या किया, मैं अपने ड्रॉपर्स ईयर में थी, मेरे पास स्टडी मटेरियल था कोचिंग का, तो NCERT एकदम बंद हो गई थी पूरे साल भर के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि कोचिंग की बुक में तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, NCERT उठाने की क्या जरूरत। लेकिन NCERT की उन चंद लाइनों में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं जिसके वजह से आपका स्कोर बहुत अच्छा भी जा सकता है और या फिर आप मेरिट लिस्ट में एकदम नीचे भी आ सकते हैं। तो प्लीज डोंट अवॉइड NCERT। तीसरी चीज आती है ओनली बायोलॉजी। ये ओनली बायोलॉजी वाला फंडा मेरे साथ था, मैंने सिर्फ बायो को ही अपने पूरे प्रेपरेटरी फेज में इंपॉर्टेंस दी क्योंकि मुझे बायो ज्यादा ईजी लगती थी। मैंने सोचा फिजिक्स केमिस्ट्री में यार कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो जाएंगे, थ्योरी वाली चैप्टर्स पढ़ के चली जाऊंगी। लेकिन अगर आप ऐसे सोचेंगे तो नीट क्रैक नहीं होगा। अगर सिर्फ बायो टारगेट रखा है तो MBBS क्या BDS भी फिर आपको नहीं मिलने वाली। केमिस्ट्री
फिजिक्स में कुछ ना कुछ तो पढ़ना है और वो कुछ ना कुछ इतना होना चाहिए कि 120 से ऊपर नंबर तो आए ही आए। मैं मानती हूँ कि फिजिक्स काफी बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, ठीक है, फिजिक्स में आप टारगेट रख लीजिए कि कम से कम 50% सिलेबस मेरा होना चाहिए, लेकिन बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री को तो कम से कम आप स्ट्रॉन्ग करने का टारगेट कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर रही हूँ, डिवाइस क्लासेस नाम से एक यूट्यूब चैनल है जहां पर आप कोटा की केमिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी सुनील सर की गाइडेंस के अंडर क्लास 11th, क्लास 12th और नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आप क्लास 11th में है तो अपने बेसिक से स्टार्ट करते हुए, बेसिक को एकदम क्लियर करते हुए उनके वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से प्रिपरेशन करिए। अगर आप क्लास 12th में है तो उनके 12th के वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से 12th और नीट प्रिपरेशन को मैनेज करते हुए पढ़िए। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो फिर आप नीट वाली प्लेलिस्ट से अपनी नीट 2021 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये तो थी फ्री वीडियो लेक्चर्स की बात। इसके अलावा आप चाहें तो बीवाइज क्लासेस का पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सुनील सर ही आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेंगी जिनका सोल्यूशन आपको वीडियो के फॉर्म में मिलेगा और उसी सोल्यूशन के दौरान आपको सुनील सर गाइड करेंगे कि क्वेश्चंस में क्या ट्रिक्स अप्लाई करी जा सकती है कि कम से कम टाइम में एमसीक्यू सॉल्व करे जाए। इसके साथ साथ स्ट्रेटजी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, इनके थ्रू भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप चाहें तो यूट्यूब पर बीवाइज क्लासेस का फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस देखिए या फिर आप बीवाइज क्लासेस का पेड कोर्स फॉर नीट 2021 भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए बीवाइज क्लासेस एक सजेशन है, वीडियोस जाकर देखिए, पसंद आती है तो उस चैनल के वीडियोस के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ बायो करने से आपका नीट का एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है। बायो तो स्ट्रॉन्ग करनी ही करनी है, मतलब बायो तो आपकी नीट प्रिपरेशन की बुनियाद है, वो तो हर कोई करेगा, लेकिन बायो के साथ साथ एक और सब्जेक्ट पे, चाहे फिजिक्स चूज करो या केमिस्ट्री चूज करो, किसी एक सब्जेक्ट पर भी पकड़ आपको मजबूत बनानी है, तभी जाकर एमबीबीएस की सीट मिल पाएगी। चौथी चीज आती है डिस्ट्रैक्शंस। मैं पूरे प्रेपरेटरी फेज में बहुत बार डिस्ट्रैक्ट होती थी। कैसे? कई बार ऐसा होता था कि फ्रेंड्स के साथ घूमने का प्लान बन गया, या फिर कई बार ऐसा होता था कि घर में कोई फंक्शन है, वो फंक्शन तो 2 दिन तक रहा लेकिन उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का रूटीन भी डगमगा गया, क्योंकि 2 दिन पहले घर पे प्रेपरेशन चल रही होगी फंक्शन से रिलेटेड, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या तैयारी होनी चाहिए, इसके डिस्कशन में पूरा टाइम वेस्ट, और जब फंक्शन हो गया तो 2 दिन तक डिस्कशन कि फंक्शन कैसा रहा, मैं कैसी लग रही थी, फेसबुक पर फोटोज अपलोड करनी थी, इस फालतू की चीज में आपका पूरा हफ्ता निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कैसे गायब हो रहा है। तो प्लीज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ये मोबाइल फोन पर गेम खेलना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, अपने फैमिली फंक्शंस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देना आपको नीट में एमबीबीएस की सीट नहीं दिलवाएगा। इस चीज के लिए एकदम क्लियर हो जाइए, डिस्ट्रैक्शंस होंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए कि लाइफ में अभी नीट क्रैक करना जरूरी है या फैमिली फंक्शन अटेंड करना जरूरी है या दोस्तों के साथ घूमने जाना जरूरी है। जब प्रायोरिटी सेट कर देंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कहां पर ज्यादा टाइम देना है और कहां पर नहीं देना है। पांचवी चीज, ब्लेम गेम। एक बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं और मैंने भी करी थी वो थी एक्सक्यूजेस के साथ जीना। कई बार ऐसा होता था ब्लेम गेम खेलते हैं, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। किसको ब्लेम दे दिया? सेहत को ब्लेम दे दिया, अपनी हेल्थ को ब्लेम दे दिया। आज नहीं पढ़ाई हो पाई क्योंकि घर में गेस्ट आ गए थे, किसको ब्लेम दिया? गेस्ट को ब्लेम दे दिया। आज पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि घर वालों ने घर का सामान खरीदने के लिए मार्केट भेज दिया था, किसको ब्लेम दिया? घर वालों को ब्लेम दे दिया। ब्लेम गेम मत खेलिएगा, ब्लेम गेम खेलेंगे तो खुद की नजर में बेचारा बनते रह जाएंगे और फिर जब नीट क्रैक नहीं होगा, एमबीबीएस की सीट नहीं मिलेगी, तब रिग्रेट की लाइफ जियोगे कि क्यों नहीं पढ़ा मैंने अपने प्रेपरेटरी फेज में। तो पॉइंट नंबर 5, स्टॉप प्लेइंग दिस ब्लेम गेम। ब्लेम गेम खेलेंगे, खुद को बेचारा विक्टिम सोचेंगे, एक्सक्यूजेस के साथ प्रेपरेशन करेंगे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिए कि आपका नीट का एग्जाम क्रैक होगा। लास्ट चीज, लास्ट मिस्टेक, और जो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी वो थी सेल्फ डिसेप्शन। खुद से झूठ बोलते रहना कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हैं कि हाँ मम्मी पापा प्रिपरेशन सही चल रही है, बेटा आज कितने चैप्टर्स पढ़े? आज 3 चैप्टर्स पढ़ लिए थे, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, बायोलॉजी का एक, और घर पर पढ़ा क्या? कुछ भी नहीं, एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा, लेकिन घर वालों से झूठ बोल रहे हो कि प्रिपरेशन हुई। रिश्तेदार कभी घर आ रहे हैं पूछ रहे हैं कि बेटा प्रिपरेशन कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है अंकल, इस साल तो नीट क्रैक होकर ही रहेगा। खुद से पूछ के देखिएगा हर दिन कि प्रिपरेशन चल कैसी रही है। खुद को टाइम टू टाइम वो आईना दिखाते रहिएगा, वो रियलिटी फेस करवाते रहिएगा कि मेरी प्रिपरेशन सच में नीट क्रैक करने लायक चल भी रही है या फिर नहीं। जब जब खुद को आईना दिखाएंगे तब तक आपको पता चलेगा कि हाँ रियलिटी क्या है। ये गलत फहमी में मत जीना कि लास्ट मोमेंट पर पढ़ूंगा हो जाएगा नीट क्रैक, ऐसा नहीं होता है। डेली का हार्ड वर्क, डेली का स्मार्ट वर्क, डेली के एफर्ट्स आपको टॉपर बनाते हैं और सक्सेस दिलाते हैं। तो स्टॉप सेल्फ डिसेप्शन, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ, खुद से झूठ बोलना भूल जाइएगा।
खुद को टाइम टू टाइम आईना दिखाइएगा कि ये मेरी रियलिटी है, मेरी प्रेपरेशन इतनी चल रही है। अरे बोल लो बाकी बाहर वालों से झूठ, मम्मी पापा से झूठ, रिलेटिव से झूठ, लेकिन खुद से तो प्लीज बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि ये आपका ड्रीम है। आप जब नीट क्रैक करोगे तो आपको कितनी खुशी होगी आप जानते हो अच्छे से। तो इसीलिए खुद से हर दिन सच बोलिएगा कि आज मैंने सच में पढ़ा इतना जिसकी वजह से मेरा नीट क्रैक हो सकता है या फिर नहीं। यही 6 मिस्टेक्स हैं जो कि मैंने करी थी, जिस वजह से मुझे MBBS की सीट नहीं मिल पाई। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ये गलती ना करें और अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें। पहली चीज, आप अपने गोल पे एकदम क्लियर होने चाहिए कि मुझे MBBS चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज, NCERT भी जरूर पढ़िएगा। तीसरी चीज, सिर्फ बायोलॉजी से काम नहीं चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी टाइम दीजिएगा। चौथी चीज, डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रहेंगे उतने सक्सेस के पास जाएंगे। पांचवी चीज, बेचारे वाली फीलिंग से दूर रहिएगा एंड स्टॉप प्लेइंग दिस ब्लेम गेम, एक्सक्यूजेस से दूर रहिएगा। और छठवीं और आखिरी चीज, खुद से झूठ मत बोलना। खुद को टाइम टू टाइम आईना दिखाना कि ये मेरी सच्चाई है, इस लेवल की मेरी प्रेपरेशन है और इस हिसाब के मेरे एफर्ट्स होने चाहिए ताकि मेरा नीट का एग्जाम क्रैक हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जिस भी साल का नीट का एग्जाम आप दें, मैं बस यही चाहती हूँ कि इन सारे मिस्टेक्स को आप अवॉइड करें, क्योंकि ये सारी मिस्टेक्स आपकी सक्सेस के रूप में हर्डल्स का काम करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। और इस वीडियो के लिए मैं चाहती हूँ कि आप कॉमेंट करें, आई डिजर्व टू बी अ मेडिकल स्टूडेंट। Please comment down below on this video. I deserve to be a medical student. All the very best. If you like this video, make sure to hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you so much for watching this video.